ओके वीबी डॉट नेट के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है वाइल फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वीबी डॉट नेट में। उसके लिए अगर यहाँ से हम अपने जाना फाइल में और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है और इसका नाम रख लो कोई भी आप जो रखना चाहते हो, जैसे कि हम डब्ल्यू एच आई या अली वाइल ही रखते हैं, वाइल कंडीशन रख लेते हैं सी एन डी और इसको हम करते हैं ओके। जैसे हमने ये ओपन किया हमारे पास जो है फॉर्म क्रिएट हो गया गया। अब यहाँ पे हमने इसका अगर मोनोग्राम चेंज करना है और उसकी जो बैकग्राउंड चेंज करनी है, यहाँ पर फॉर्म वन की जगह अपनी टेक्स्ट लिखनी है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें हम वाइल कंडीशन एंटर और फिर नीचे आ जाए यहाँ पे जो है आइकन शो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको आइकन को क्लिक करें और जहाँ भी आपका आइकन पड़ा हुआ वहाँ पे चले जाएं। तो यहाँ से हमने इसको आइकन दे दिया। अब उसकी हमने बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो बैकग्राउंड के लिए आप या जो यहाँ पे यहाँ पे है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे नन है तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे वो कहेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। अभी हम वेबसाइट डाटा में जाते हैं और यहाँ पे हेडर इमेजेस में हमारे पास ये वाली फाइल जिसको हमने ओपन किया, यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लो, अच्छा उसके बाद हमने देखनी है वाइल कंडीशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन लेते हैं और उसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे उसकी जो है टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाइल एंटर और इसको भी टेक्स्ट भी इसकी थोड़ी जो है फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देना, हमने 14 कर लो ओके। उसके बाद अपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे अपने जो है अपना कोड लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखना है डिम एज इंटीजर इज इक्वल टू 2, डिम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एज इंटीजर उसकी हमने जो वैल्यू रख दी 2 रख दी और वाइल कब तक वो लूप चलेगा या कंडीशन परफॉर्म होगी वो 10 तक होगी, 10 तक या 20 तक भी कर लो तो भी जितना वैल्यू रखना चाह रहे हो। नेक्स्ट उसको हमने शो किस में कराना, मैसेज बॉक्स डॉट शो ए क्या है जो हमने वेरिएबल जो है साइन कराया ए की वैल्यू हमें शो करेगा। उसके बाद उसके अंदर ऐड कितने करेगा, 2 करेगा, मतलब ए में 2 करेगा, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और फिर +2 6 हो जाएगा। इस तरह इसको रन करता जाएगा, उसमें 2 ऐड करता जाएगा। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसको जाके रन करते हैं प्रोग्राम को। रन करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म आ गया, तो यहाँ जैसे ही वाल पे क्लिक करेंगे वो दिखेगा कह रहा है 2, फिर ऐड किया 4, फिर किया 6 8 और 20 तक आगे उसने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते, जैसे कि हम अगर यहाँ पे 5 कर दें तब इसको रन करें तो वो 5 ही इसके अंदर ऐड करेगा, जैसे कि 2 है 7 11 12 और 17। इसी तरह अगर आप यहाँ पे उसकी जो है वैल्यू हमने दी है 2, उसको अगर रॉन्ग करते हो आप तो फिर वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि वहाँ पे 20 है तो यहाँ पे अगर 21 नंबर अगर दे दें, इसको हम अब रन करते हैं तो देखें जैसे ही मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो वैल्यू को रॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो तब वो एक्शन परफॉर्म करेगा, देखें अब वो कर रहा है। क्या करते जाएंगे तो वो उसमें ऐड करते जाएगा। तो इस तरह वाइल लूप को आप यूज़ कर सकते हो वीबी डॉट नेट में।